आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। नशे में धुत ऑटो चालक ने बाइक सवार एवं रिक्शा सवार को ठोकर मारने के बाद खुद भी अनियंत्रित होकर पलट गया। इस सड़क हादसे में ऑटो चालक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, वहीं बाइक सवार एवं रिक्शा चालक भी घायल हैं। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। यह पूरी घटना नेशनल हाईवे 30 चाकघाट के तमस नदी पुल के पास घटित हुई है, जहां नशे में धुत ऑटो चालक की लापरवाही से बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। बताया गया है कि आज दोपहर नशे में धुत एक ऑटो चालक ने सड़क पर अनियंत्रित ऑटो चलाते हुए पहले एक बाइक सवार को टक्कर मारा और उसके बाद रिक्शा को ठोकर मार दी, जिससे दोनों घायल हो गए। वहीं ऑटो चालक अनियंत्रित ऑटो लेकर तेज गति से झाड़ियों में जा घुसा, जिससे उसे भी गंभीर चोटें आई हैं। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है और तीनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। ऑटो चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई चाकघाट पुलिस द्वारा की जा रही है।